नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। मित्रों, हमने UGC नेट के अंतर्गत इकाई 7 को पूर्णतः पढ़ लिया है, जिसमें 21 कहानियां रखी गई थी। इन कहानियों के बाद आज हम इकाई 9 में जो निबंध रखे हुए हैं या दिए गए हैं सिलेबस में, उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आज हम निबंधों की कड़ी में भारतेंदु जी का निबंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन करेंगे। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है बहुत ही अच्छा निबंध है, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। चलिए सीधे निबंध पर ही चलते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह ना कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य में आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब और अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साध ही रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहते हैं, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस यही मसल रही है तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली।
तीन मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोंक शौक, बीच वाला बोला गम शम, सब के नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति छिन बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बुद्धारों मत्सरग्रस्ता प्रभवा समर दूषिता, हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद सकने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सब के जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँपते हुए दौड़ते देख कर के भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही करना उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम शुभलम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन तपः स्वातेरितम पुमाम भवाब्धि न तरेत सा आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग
जो इस समय उन्नति न करे तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सुने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा, वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेढक काठ के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे तो फिर हमारी कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कलवा मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ इतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए, उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मालूक दास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुशाहिबी दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए जाती है। वहीं दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दम शुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली होश मूर्ख बोदे डरपोंक पुकारवाओगे
दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। फिर कब कब राम जनकपुर अहै, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के ताबे बाण के फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह ताबे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी था। यह समान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा था। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक सर, जिन चूके चहु आज इक्के मारे इक सर। उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वीकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितौषी मानते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, और जहाँ तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होंगे, जात से बाहर ना निकाले जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश ना सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किस को अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब
सुन्नियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन बैठक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, दस दस पांच पांच कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ों को गांव में नहीं मिलती, यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में दो एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार सोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन ही में शादी करके उनका बल वीरज आयुष्य मत सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेनी चाहिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें,
यह समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए, जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए, मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें, ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करें, घर में आग लगे सब जिठानी दौरानी को आपस का ढाह छोड़ कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए, जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है, उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं, फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी, अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है, यारो वे दिन गए, अब आलस हट धर्मी यह सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो, होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाएं। शौक दिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी, भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे, अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, सौ सौ महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू है, हिंदू की सहायता करो, बंगाली मराठा पंजाबी मद्रासी वैदिक जैन ब्राह्मणों मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो, कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे वह करो, देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड फ्रांसीस जर्मनी अमेरिका को जाती है, दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, यह तो वही मसल हुई एक बेफिकरे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी
अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, आज टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम के वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। दोस्तों इसी के साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है समाप्त हुआ। मित्रों हम इसी चैनल पर कुछ समय बाद या दूसरे दिन फिर किसी एक निबंध को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।